हेलो वेलकम बैक गाइस, बताने यू वाचिंग माय चैनल। सो आज और वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जो आपको वीडियो कंटेंट में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं या स्ट्रीमिंग कंटेंट में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कुछ गेम्स रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब पॉपुलर गेम्स जो तुम्हें पता हो सकते हैं, और कुछ गेम्स काफ़ी यूनिक भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, और तुम्हें इस गेम्स में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नो इंटरेस्ट की बिना कुछ भी काम नहीं करेगा तुम्हें। रिमेंबर के जितने भी गेम्स बताने वाला हूँ वो कोई सिक्वेंस में नहीं होगी ना, पर्टिकुलर सिक्वेंस में नहीं होंगे। नंबर वन, माइनक्राफ्ट। ये गेम जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, और इस गेम में इतना कंटेंट और व्यूज भरे हैं ना भाई, मतलब जस्ट इमेजिन मिकपैट और त्रिगर्ड इंसान ने ऐसे ही अपना गेमिंग चैनल ग्रो कराया भाई। और बात रही कितने साल ये गेम टिका है भाई, 12 साल टिका है भाई ये गेम। इस गेम को ऐसा वैसा तो नहीं समझना, बहुत कॉन्टेंट भरा है इस गेम में। प्यूडीपाई ने मतलब शुरुआत तो बेसिकली प्यूडीपाई ने करी है ऑफकोर्स। अगर आप गेमिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हो, इस गेम के टिप्स एंड ट्रिक्स, पीवीपी, सर्वाइवल, पता नहीं बेड वॉर, पता नहीं क्या क्या चीज है, ये आप ट्राई कर सकते हो। और इस गेम में जो व्यूज और पॉपुलैरिटी है भाई, भूलना मत ड्रीम ड्रीम का चैनल है, फॉरेन यूट्यूबर है वो। क्या क्या मतलब यूनिक चीज़ें आप कर सकते हो। वो बेसिकली मैनहंट करता है, यानी पर पकड़ा पकड़ी खेलता है बेसिकली। बट या इस पर व्यूज़ बहुत मिलेंगे अगर तुमने कुछ यूनिक करा। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, बट या बहुत तगड़ा गेम है कॉन्टेंट के लिए, बिलीव मी। नंबर टू, फ्री फायर। आई एम श्योर कि तुम्हें ये गेम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बैटल रॉयल गेम है जहाँ पर लॉन्डे उतरते हैं, एक दूसरे को पेलते हैं और जीतते हैं। बेसिकली पबजी से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस गेम की। और ऑडियंस की बात रही तो भाई साहब, इंडिया में कितनी गंदी ऑडियंस भरी पड़ी है भाई इस गेम के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स लोग पबजी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जैसे भी अभी पबजी बैन ही हो चुका है, मतलब कुछ इलीगल प्लेयर्स ही खेल रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन भाई, अब पबजी भी जा चुका है, अब फ्री फायर के लिए कोई कंपटीशन नहीं है ना भाई, और इतनी ऑडियंस भरी पड़ी है भाई साहब। और ये याद रखना कि इंडिया का जो टॉप गेमिंग क्रिएटर है वो भी एक फ्री फायर क्रिएटर है। एंड कंटेंट की बात हुई तो आप बहुत सारे स्ट्रीम्स कर सकते हो, ऐसे ही भाई भर जाएंगे। आप बताना कि बस आपको वॉच टाइम की जरूरत पड़ेगी जहाँ तक मुझे पता है। और आप चैलेंजेस कर सकते हो और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बकचोदी पहन सकते हो, एंड दैट्स ऑल। नंबर थ्री, अमोंग अस। 2020 में इस गेम ने आकर जो धूम मचाई हो, What the fuck? Okay. 2020 में आकर इस गेम ने जो धूम मचाई है ना भाई, मतलब कोई गेमर भूल नहीं पाएगा। और ज्यादा मुझे बताइए, ये गेम अभी तक डेड नहीं हुई है गाइस, ओके बता देता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। सो ये गेम डेड नहीं हुई है, और इस गेम में आज भी लोग लाखों में व्यूज कमा रहे हैं बाई डूइंग समथिंग लाइक अमोंग अस लव स्टोरीज और समथिंग लाइक दैट, अमोंग अस फैन मेड स्टोरीज, जब पता नहीं पता क्या क्या हो रहा है अमोंग अस में। बट या लोगों को व्यूज मिल रहे हैं, फॉरेन में भी लोग देख रहे हैं, मतलब इंडिया के लोग ज्यादा देख रहे होंगे जहाँ तक मुझे पता है। जो भी ऐसे सब ये व्यूज तो है भाई, अगर तुम कुछ यूनिक करोगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ द डे। क्रिएटर को इसलिए क्रिएटर कहा जाता है। नंबर थ्री, रोब्लॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक गेम्स एवर क्रिएटेड ऑन मोबाइल। मतलब जस्ट इमेजिन, तुम्हें एक अपना गेम बनाना पड़ता है इस गेम में, और दूसरों को अपना गेम खिलवाना पड़ता है, या तो तुम दूसरों के बनाए हुए गेम्स भी खेल सकते हो। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है यार, लोग कुछ भी बना सकते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, तुम्हें अगर चाहता हो तो तुम GTA बना सकते हो उस गेम में, अगर तुम चाहते हो तो तुम एक गर्ल गेम बना सकते हो, समझो ना गर्ल गेम, अगर तुम चाहते हो तो कुछ भी बना सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग है भाई ये चीज़, मतलब बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। आई एम इंश्योरिंग कि तुम ये गेम एक बार ट्राई कर सकते हो। व्हाट द फक, इंश्योरिंग का मतलब कुछ और ही होता है। जो भी है एक बार ट्राई ज़रूर मारना, क्योंकि काफ़ी यूनिक गेम है भाई ये, मतलब अगर मेरी मानो तो। और मेरा भी नाम रोब्लॉक्स से मतलब इससे इंस्पायर नहीं हुआ गाइस, मुझे पता तक नहीं था जब मैंने ये नाम रखा। जो भी जैसे भी, जस्ट मतलब भूल जाओ भाई, इतना आकड़ क्यों रहा हूँ। बाय द वे मुझे याद नहीं है कौन सी गिनती चल रही है। जो भी है, गेम का नाम है ट्रॉल स्टार्स। ऑल्दो मैंने ये गेम कभी खेली नहीं है अपने तरफ से, बट मुझे लगता है कि ये गेम काफ़ी तगड़ी है। बाय द वे बहन, जो मुझे पूरा डैमेज ही मिल गया। जो भी है, ये गेम काफ़ी तगड़ी है अगर तुम देखोगे तो। इंडिया में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है मुझे पता है। एंड बात रही, मैंने ये गेम खेली नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत सारे व्यूज़ मिल सकते हैं अगर तुम लाइव स्ट्रीम्स करो। एंड ऑफकोर्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर ही व्यूज़ है, और टिप्स एंड ट्रिक्स और यूनिक कॉन्टेंट पर ही व्यूज़ आते हैं अगर तुम एक एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर नहीं हो। ओके, नंबर फाइव, क्लैश ऑफ क्लैंस। इन अर्लीज ऑफ 2018 पूछो भाई क्रिएटर्स से क्लैश ऑफ क्लैंस की पॉपुलैरिटी क्या थी भाई, पूछो बैन चो छप्पर फाड़ के दिए भाई तब पॉपुलैरिटी। ऑल्दो आज भी इस गेम ने हार नहीं मानी, आज भी इस गेम के क्रिएटर्स मौजूद है और उन्हें लाखों में व्यूज आते हैं और लाखों में लोग देखते हैं भाई। ऐसा नहीं है, मिलियंस में भी चले जाते हैं भाई कभी कभी। सो ऐसा नहीं है कि ये गेम कभी डेड हुआ है, मुझे लगता है ये गेम अभी भी डेड हुआ है, और इस पर आप बहुत अच्छा कॉन्टेंट ज़रूर बना सकते हो।
नंबर 6 कॉर्ड मोबाइल। कॉर्ड मोबाइल तो भाई सबको पता है, किसको नहीं पता। इन पर बेसिकली कॉर्ड मोबाइल पर तुम टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकते हो जहाँ तक मुझे पता है, एंड व्यूज ले सकते हो। ओह यस, आई नो मैंने बहुत ही पॉपुलर गेम्स लिए हैं जो आपको भी पता होंगे, एंड आई नो मैंने, बट अगली वीडियो में मैं कुछ ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी अंडररेटेड हैं और आपको खेल कर आप काफ़ी सारा कॉन्टेंट बना सकते हो। या सो मिलते अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगली वीडियो में, बाय।